मैं पारुल माहेश्वरी, भगवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से ऑनलाइन कक्षा में आपका अभिनंदन करती हूँ। आज हम सामाजिक विज्ञान में विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय भूगोल, प्रकरण प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन मानसूनी प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। मानसूनी प्रदेश, सबसे पहले आप जानेंगे कि प्राकृतिक प्रदेश किसे कहते हैं। प्राकृतिक प्रदेश जब किसी विस्तृत क्षेत्र में जलवायु, मृदा क्या होती है, मिट्टी और वनस्पतियों का जो उनमें औसत एकरूपता पाई जाती है उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। प्राकृतिक प्रदेश के आधार क्या होता है, जलवायु ही होती है। जो प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन होता है वो जलवायु के आधार पर होता है। जलवायु की विविधता जो हम दिखाते हैं वो उसके किसके आधार पर, जलवायु की विविधता के आधार पर विश्व को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश, शीतकटिबंधीय प्रदेश। आप जानेंगे उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आप पढ़ते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। आपने पिछले लेसन में पढ़ा था शीतोष्ण घास प्रदेश और भूमध्य सागरीय प्रदेश, इनके बारे में आपने पढ़ा था। आज आप मानसूनी प्रदेश के बारे में जानेंगे। मानसूनी प्रदेश, आप सब मानसून से परिचित हैं। अपने देश में आपने जाना कि कब अधिक सर्दी पड़ती है और किन माहों में, किस महीने में अधिक गर्मी पड़ती है, किन महीनों में पड़ती है, क्या आप बता पाएंगे? यहाँ सभी को मालूम है अप्रैल, मई, जून ये अधिक गर्मी के, इसमें अधिक गर्मी पड़ती है, और जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी हैं इन माह में अधिक सर्दी पड़ती है। तो हमारे भारत में जो मानसूनी पवनों द्वारा, जब हवा मानसूनी पवनों द्वारा जो वर्षा होती है उसको मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आइए पता करते हैं कि देश की भांति, हमारे देश की भांति संसार में किन किन जगह पर मानसूनी वर्षा होती है। मौसमी पवनों द्वारा कहाँ कहाँ वर्षा, जहाँ जहाँ वर्षा होती है वहाँ मानसूनी प्रदेश, उन्हें मानसूनी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये प्रदेश भूमध्य रेखा से 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच जो ये महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। यह है संसार में दक्षिण पूर्वी तट, दक्षिण पूर्वी एशिया जितना भी आपका कवर करता है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग, उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी द्वीप समूह, और मध्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी उत्तरी तटीय भाग, ये आपके आते हैं मानसूनी प्रदेश में। आज हम इनके बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह की जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक ठंड पड़ती है। वार्षिक तापमान 60 डिग्री से 40 डिग्री तक रहता है और यहाँ पर वर्षा का औसत 25 से 250 सेंटीमीटर तक रहता है। मानसूनी प्रदेश में वर्षा चक्रवाती तथा पर्वतीय प्रकार की होती है और कभी कभी ये संवहनीय भी होती है। इन प्रदेशों में 6 महीने हवाएं सागर से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से सागर की ओर चलती हैं। ग्रीष्मकाल में हवाएं, जो मौसमी पवने हैं, ये सागर से स्थल की ओर और शीतकाल में स्थल से सागर की ओर चलती हैं। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। यहाँ तीन तरह के मौसम पाए जाते हैं, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन और शीतकालीन। ये प्रश्न आपका आ सकता है कि कितने तरह के मौसम होते हैं।
तो भारत में आपको मालूम है कि तीन तरह के मौसम होते हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, वर्षाकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकाल में हवाएं, आपको पता है मौसमी पवनों के द्वारा जो वर्षा होती है वो मानसूनी हवाएं, मानसूनी जलवायु कहलाती हैं। ऐसे ही वर्षा काल में भी वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण हवाएं जब चलती हैं तो वर्षा अधिक होती है, और शीतकाल में भी जब शीत लहरी चलती है तभी भी वर्षा की मात्रा अधिक रहती है। इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा वर्षा ऋतु में पाई जाती है, उन समुद्री हवाओं के चलने से वर्षा ऋतु में वर्षा अधिक होती है। इन प्रदेशों में एकाएक घनघोर वर्षा होती है जहां पर तो वहां कई बार बाढ़ भी आ जाती है। इन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा और समय इसका अनिश्चित होता है, यहाँ पता नहीं होता कि कहीं कभी अधिक वर्षा भी हो जाती है। मानसूनी पवनों पर निर्भर होता है कि वो कहाँ अधिक वर्षा करें और कहाँ नहीं। तो आपने जाना कि मानसूनी पवने या मौसमी पवने जो समुद्र से हवाओं से जो चलती हैं, जो सागर से आती हैं, उन्हीं के कारण वर्षा होती है, और यहाँ मानसूनी जो प्रदेश हैं वो आपने अभी जाने कि ये कहाँ कहाँ पर होते हैं। अब हम जानेंगे इनके प्राकृतिक संपदा यानी कि प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति जितनी भी हमारी प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन सबसे रिलेट करते हैं। यहाँ पर विविध प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे सदाबहार वन, पतझड़, आपका जो घास के मैदान हैं वो आते हैं, और कटीली झाड़ियाँ। इस तरह विविध प्रकार की यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में प्राकृतिक वनस्पतियाँ, उनका अनुमान हम भारत के अनुसार लगा सकते हैं कि यहाँ पर सागौन, साखू, टीक, सागौन, शीशम, आम और महुआ आदि यहाँ पर वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जीव जंतुओं के बारे में आप जानना चाहें तो उसमें हम बताएंगे कि यहाँ पर हाथी, गेंडा, ऐसे विशाल जो पशु हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जंगलों में, वनों में। और जो पालतू जानवर हैं वो आपके आते हैं गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। घने जंगलों में शेर, चीता, ऐसे मांसाहारी कई पशु हैं जो यहाँ देखने को मिलते हैं। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाले पक्षी यहाँ प्रवास करते हैं। साइबेरिया में अधिक ठंड होने के कारण वो जिस समय वहाँ पर अधिक ठंड होती है तो वो वहाँ से कई किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ भारत में प्रवास कर जाते हैं, और जब मौसम ठीक होता है तो वापस अपने स्थान पर लौट जाते हैं। तो आज अब जानेंगे इनके मानव जीवन के बारे में। मानव जीवन में यह प्रदेश संसार में अपनी कृषि उपज, धन संपदा या वो जो यहाँ पर खनिज हैं, वन संपदा हैं, खनिज हैं, उद्योग धंधे हैं, प्राचीन सभ्यता है इन, और सघन जनसंख्या, इन सब के लिए ये प्रसिद्ध है। तो मानसूनी प्रदेश की जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो हमारी कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग और व्यापार के लिए आदर्श रही हैं। यही कारण है कि सिंधु गंगा के मैदान में प्राचीन सभ्यता का जन्म हुआ। यहाँ की जो अनुकूल जलवायु है वो उपजाऊ भूमि, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता यानी मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या का अधिक घनत्व है। जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण इस प्रदेश में वन काटे जा रहे हैं और वनों को कृषि यानी कि कृषि योग्य बनाया जा रहा है, खेती के योग्य बनाया जा रहा है, जो मानव जाति के लिए सही नहीं है, लेकिन
मजबूरी है कि मानव संसाधन, मानव जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, इसी कारण हमें वनों को काटना पड़ रहा है और वनों को उनकी कमी पूर्ति के लिए, उनकी खाद्य सामग्री पूर्ति के लिए वनों को काट कर वहाँ खेती का खेती योग्य भूमि बनाई जा रही है। इन जो यहाँ पर लौह अयस्क पाए जाते हैं, यहाँ कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, टीन, चांदी, सीसा आदि खनिज पदार्थ यहाँ पर बहुधा पाए जाते हैं। तो इन खनिज पदार्थों के जो ऊपर आधारित उद्योग हैं उनसे हमें काफ़ी सुविधा मिलती है कि जिस तरह से जो लोग जो अपना जीवन यापन कर सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए जनसंख्या की बहुतायत है। मानसूनी प्रदेश संसार के कृषि प्रदेशों में से एक है। तो जो इस प्रदेश की लगभग दो तिहाई जनसंख्या यहाँ जीविकोपार्जन के लिए मुख्य रूप से किसका यूज करते हैं, अधिकतर कृषि का प्रयोग करते हैं। दो तिहाई जनसंख्या हमारी अपने जीवन यापन के लिए कृषि करते हैं। संसार का अधिकांश चावल और चाय, ये जो दालें, कहवा, जूट, गन्ना एवं कपास, ये मानसूनी प्रदेशों में होता है। इस प्रदेश में तंबाकू, जौ, गेहूं, गन्ना आदि फसलें भी उगाई जाती हैं। यहाँ पशुपालन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं, इसीलिए यहाँ मानसूनी प्रदेशों की कृषि मुख्य रूप से यहाँ पर वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण कभी कभी सूखा और अकाल की भी स्थितियाँ आ जाती हैं, और यहाँ पर कई बार वर्षा ना होने के कारण लोग अकाल की स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रदेश की जनसंख्या गाँव में निवास करती है। जो मानसूनी प्रदेश हैं इनकी जनसंख्या अधिकतर गाँव में निवास करती है। जो अनेक विशाल नगरों का भी जहाँ पर विकास हो पाया है, यह प्रदेश विश्व के स्थलीय भाग के लगभग 5% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, किंतु विश्व के लगभग 30% जनसंख्या यही यहाँ पर निवास करती है, मानसूनी प्रदेशों में निवास करती है। इस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। अब इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ औद्योगिक उन्नति भी अनिवार्य है, उसकी ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान समय में मानसूनी प्रदेशों पर पश्चिमी सभ्यता का भी बहुत प्रभाव पड़ा है, अधिकतर विदेशी लोग भी यहाँ पर आकर रह रहे हैं, अपना यहाँ पर वो अपने उन्होंने आकर अपने को बसाया है। आप इन प्रदेशों के बारे में जानिए कि यह है, ये प्रदेश कराची, मुंबई, भारत में जो ये प्रदेश है यहाँ पर कराची, मुंबई, यांगून, सिंगापुर, जकार्ता, ढाका, काठमांडू, तो ये सब यहाँ के प्रमुख नगर हैं। अब जानेंगे पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश के बारे में। पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश इंग्लैंड में, इंग्लैंड के देश के बारे में आपने सुना होगा। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड से के शासन से उसे आज़ादी मिली थी। तो इंग्लैंड यूरोप महाद्वीपीय और का एक ऐसा महत्वपूर्ण देश है, इसे एक ठंडे जलवायु वाले देश के रूप में माना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु जो देखने को मिलती है वो यहाँ है, पछुआ पवनों के कारण यहाँ पर अधिक होता है, पछुआ पवनों का प्रभाव अधिक है। यहाँ साल भर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा ग्रीष्मकाल में की तुलना में शीतकाल में अधिक होती है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, यहाँ की जो प्रकृति की वनस्पति है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेशों में, प्रकृति की वनस्पति यहाँ पर घने पर्णपाती वन है। इन वनों में वृक्ष शीतकाल में पत्तियाँ गिरा देते हैं और इस प्रकार शीत हिमपात से अपनी रक्षा करते हैं। वहाँ जो इतना सर्दी में ठंडी बर्फ पड़ती है उससे इन वृक्षों की रक्षा होती है, क्योंकि वो पेड़ जो हैं वो पत्तियाँ अपनी गिरा देते हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ साथ ही वृक्ष पुनः हरे भरे हो जाते हैं। इनमें ओक, एल्म, बर्च, बीच, पॉपुलर, हार्नबिल
आदि जो ये पर्णपाती वृक्ष हैं वो महत्वपूर्ण हैं। पहाड़ी ढालों पर उत्तरी भागों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो जो इन वनों में रेडवुड या लिंडन, फर, स्प्रूस, सीडार आदि ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के जो जीव जंतु हैं वो सामान्य रूप से आप जानते हैं, हिरण, लोमड़ी, भेड़िया आदि ये जो यहाँ पर पाए जाते हैं। मानव गतिविधियाँ यहाँ की क्या हैं? यह आर्थिक रूप से विकसित देश है, विकसित प्रदेश है। यहाँ कृषि तथा उद्योग धंधे विकसित अवस्था में हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर पाती वनों को साफ कर विस्तृत एवं गहन कृषि की जा रही है। यहाँ पर जो बड़ी जगह हैं उनको साफ करके बड़े बड़े से खेती भी की जाती है। जगह पर गेहूँ, जौ, आलू, चुकंदर आदि जो यहाँ की मुख्य फसलें हैं, यह कृषि एवं पशुपालन साथ साथ यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ की अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उनकी मांगों को पूरा करने के लिए फलों तथा सब्जियों का जो व्यापारिक बागवानी है वो कृषि जो की जाती है। न्यूजीलैंड में भेड़ पालन और व्यापारिक स्तर पर ही किया जाता है। भेड़ों को का निर्यात भी किया जाता है, भेड़ों का निर्यात और ऊन आदि का निर्यात भी यहाँ से किया जाता है। अब हम जानेंगे चीन तुल्य प्रदेश के बारे में। चीन तुल्य प्रदेश क्या है? तो आप महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, जो पश्चिमी एरिया है, यहाँ पर आपको इनके अक्षांश की भूमध्य सागरीय जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनके बारे में आप जानते ही हैं, आपने पिछले लेसन में पढ़ा है। तो इन प्रदेशों को चीन देश के नाम पर चीन तुल्य प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश का विस्तार शीतोष्णकटिबंधीय महाद्वीपों में पूर्वी किनारों पर 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। जो यहाँ पर 25 से 30 40 डिग्री यहाँ पर जो अक्षांश है यहाँ पर इनके चीन तुल्य प्रदेश पाए जाते हैं। ये इनके प्रमुख देश प्रदेश कौन कौन से हैं उनको इनके नाम आप जानेंगे। ये दक्षिण पूर्वी चीन यहाँ चाइना है। तो ये आप जानेंगे कि दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य एशिया या अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका और यहाँ का जो पूर्वी तट है ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी तट, ये सब आपके चीन तुल्य प्रदेश में आते हैं। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है तथा शीतकाल शुष्क रहता है। महाद्वीप भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अब प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर भी पर्णपाती और सदाबहार दोनों वन मिश्रित रूप से पाए जाते हैं और इन भागों में शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं, क्योंकि यहाँ भी अधिकांश मौसम जो है वो ठंडा रहता है। इन वनों में जैतून, चीड़, यूकेलिप्टस आदि के जैसे मूल्यवान वृक्ष भी सामान्य रूप से मिलते हैं। इनकी मानव गतिविधियाँ क्या हैं? यह प्रदेश गहन कृषि के लिए विख्यात है। यहाँ शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है, लेकिन जो सिंचाई की सुविधा होने पर पूरे वर्ष फसलें जो हैं वो यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। चावल यहाँ की मुख्य फसल है। चीन और भारत चावल और चाय के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये दो देश आप नाम दे सकते हैं कि चाय और चावल के जो आपको पूछा जाता है प्रश्न कि चाय और चावल के आप दो देशों के नाम, दो प्रदेशों के नाम बताएं, तो चीन और भारत दो प्रदेश आपके ऐसे हैं जो चाय और चावल के लिए प्रसिद्ध हैं। चावल यहाँ की मुख्य फसल है चीन तुल्य प्रदेश की। और जो सिंचित क्षेत्र हैं उनके में दो दो फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। अब हम आते हैं सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश क्या है? सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश में उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध सब जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध ऊपर की तरफ भूमध्य रेखा से ऊपर जो होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो महाद्वीपों के पूर्वी किनारे हैं
पूर्वी तट, पूर्वी किनारे जो है उत्तरी गोलार्ध के, उनमें 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। कहीं कहीं इसका विस्तार 30 डिग्री से 35 डिग्री से उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है। इन प्रदेशों में मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पूर्वी भाग इसका, और कनाडा या चीन का उत्तरी भाग, कोरिया आदि, जापान का उत्तरी भाग, यह इसमें शामिल है। अब जानेंगे हम इसकी जलवायु के बारे में। इस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। शीतकाल चीन तुल्य प्रदेश की तुलना में अधिक कठोर होता है। प्राकृतिक वनस्पति यहाँ की क्या है? यहाँ पर आर्द्र तटवर्ती भागों में जो कोणधारी वन है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और आंतरिक भागों में यहाँ पर घास के मैदान मिलते हैं। दक्षिणी भागों में मिश्रित कोणधारी वन और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष चीड़, स्पूस, हेमलॉक आदि हैं। जो मानव गतिविधियां हैं वो यहाँ की क्या हैं? इस प्रदेश के अधिकांश घास के मैदानों को साफ करके वसंतकालीन गेहूँ यहाँ पर उगाया जाता है, यहाँ पर उसकी जो कृषि की जा रही है। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, आप कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी यहाँ पर कृषि की जाती है, और जो इसमें लकड़ी और लुगदी का काम है वो भी, कागज उद्योग आदि का काम भी यहाँ पर बड़े स्केल पर, यानी बड़े पैमाने पर इस पर विकास हुआ है, इसका काम किया जा रहा है। इस प्राकृतिक प्रदेश के बड़ी संख्या में विशाल औद्योगिक नगर विख्यात हैं। तो ऐसा आप एटलस पर भी अपना देख सकते हैं कि आपके जो चीन तुल्य प्रदेश हैं, सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश हैं, या विश्व जो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश हैं, इनके बारे में आप वहाँ ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कि कौन कौन से प्रदेश आपके यहाँ पर। मैंने आपको अभी समझाए हैं कि जो जो प्रदेश यहाँ पर क्षेत्र आते हैं वो आप एटलस के माध्यम से ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।